हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल सिंगल शीट के लिए। आज हम पढ़ेंगे आपके पास जब दो शीट दे रखी हो, प्लेन शीट दे रखी हो। ठीक है, देखो इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं होगा यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी ड्यू टू ए थिन सिंगल प्लेन चार्ज शीट के लिए। और यहाँ पर आपके पास दे रखे हैं, जब दो शीट दे रखी हो, सिंगल के बजाय दो शीट दे रखी हो, तब क्या होगा। ठीक है, देखो आप थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। हमने क्या किया था, एक अपने पास एक सिंगल प्लेन शीट थी ऐसी, और इसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी, सिग्मा, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। ये आपकी जो होती है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सिग्मा पर यूनिट एरिया। चार्ज मान लो इसकी सारी के ऊपर कितना चार्ज था, क्यू चार्ज था, सारी के ऊपर कितना चार्ज था, क्यू। तो उसके पर यूनिट एरिया में कितना हिस्सा आया, इस चार्ज का कितना हिस्सा पर यूनिट एरिया के लिए आया, उसको बोलते इसकी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। इस सब सिंगल शीट के लिए हमने निकाला था, उसकी आपके पास आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आई थी सिंगल शीट के लिए, यानी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती किसी प्लेन शीट के लिए, समझ गए। आपके स्फीयर के लिए करती है, लीनियर के लिए करती है लेंथ के हिसाब से, लेकिन प्लेन शीट के लिए जो इनफाइनाइट लेंथ की होती है उसके लिए डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज अपने पास दो शीट दे रखी हैं ऐसे, उनके लिए निकालना आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आपके पास क्या दे रखे हैं, दो शीट दे रखी हैं ऐसे। ठीक है, दो प्लेन शीट गिवन आपके पास, ये मान लो जैसे ये दो प्लेन शीट दे रखी है ऐसे। ठीक है, ऐसे दो प्लेन शीट, और सिंगल के लिए आपने निकाल लिया था, इसकी मान ली सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा वन, और इसकी कितनी है, सिग्मा टू। ठीक है, इस प्लेट का नाम क्या, ए प्लेट, और इसका कितना मान लिया हमने, बी प्लेट। वी हैव हेयर टू थिन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वन एंड सिग्मा टू रिस्पेक्टिवली, एंड दे आर हेल्ड पैरेलल टू इच अदर। ये दूसरे क्या है, पैरेलल में हमने रख रखी ऐसे, पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल में इस प्रकार से दो प्लेन शीट। अब आपको पता है इस सिंगल शीट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, और इस सिंगल शीट के कारण भी क्या होगा, फील्ड इंटेंसिटी होगा। फिर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे दोनों की। ठीक है ना, ये सिंगल प्लेन शीट, इसके लिए आपने निकाल रखा पहले ही, आपको पता है सिंगल शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, आपको पता है। इस सिंगल शीट के लिए आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। अब आपको क्या करना है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, यानी कि क्या कर लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे दोनों की, आ जाएगा आंसर जो आप पूछ रखा है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है आपको टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लीजिए कितनी, ई वन, और इसकी कितनी है, ई टू। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट है। ये पॉजिटिव चार्ज दोनों पे यूनिफॉर्मली क्या हो रहा भाई, डिस्ट्रीब्यूट है। समझ गए, ये सारा सारा। अब देखो ये इसे समझने का कुछ है नहीं, बाकी सारा सारा अब जो बात बोलूंगा वो है सिर्फ समझने की इसके अंदर। ठीक है ना, जैसे मेरे पास ये है सिंगल सीट,
ये क्या है, सिंगल सीट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी इस साइड भी होगी बाहर की साइड और इस साइड भी होगी बाहर की साइड, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, आपने निकाल रखा है, जो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो E1 जो है वो इधर भी रहेगा, ये है मेरी पहली सीट, E1 जो है ना इस साइड भी होगा बाहर की साइड, ऐसे इस साइड भी होगा ये वाला, ये डायरेक्शन भी होगी E1 की, ठीक है, साइड भी होगा और क्या होगा, इस साइड भी होगा, इतनी सेम वैल्यू का इस साइड भी होगा, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, यानी क्या होगा, इस साइड भी होगा ये E1, ये ऐसे, ये मान लो E1, यहाँ पे E1 मान लो, यहाँ पे E1 क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, होगा इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड भी होगा बाहर की साइड और इस साइड भी होगा E1 की डायरेक्शन, आपने निकाल रखा है E1 कितना आया था आपके पास, E1 आपके पास आया था सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कितने, इसके लिए सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन। अभी ये क्या आपके पास सेकंड प्लेट है, ये मान लीजिए मेरे पास सेकंड प्लेट, इसी प्रकार इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है E2 है। अब E2 क्या है, इस साइड भी होगी और इस साइड भी होगी, इसकी दोनों सरफेस भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, यानी जो मेरी E2 है वो इस साइड भी होगी, ये इस साइड भी, इस पर ये भी होगी और इस साइड भी होगी, यानी यहाँ पे जो E1 जो है वो मेरे किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और E2 जो जिस डायरेक्शन में वो इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन दोनों E1 और, ठीक है, समझ गए ना, बस ये इसमें समझने और कुछ नहीं है। ये जो E1 है ये कहाँ से है, इस वजह से, इस प्लेट की इंटेंसिटी E1 इस साइड भी है इस हिस्से में, और E2 जो वो इस प्लेट की इस साइड भी है, समझ रहे हो ना, इस साइड भी होगी और इस साइड भी होगी और सेम रहेगी, इस पॉइंट पे निकालो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। तो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधी सी बात है, E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी प्लेन सीट के लिए, सिग्मा यानी कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इस प्लेट की डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन, ये ठीक है। अब मुझे लगाना इसके पास क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है आपको, क्या फाइंड करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इसके द्वारा बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मान लेता हूं मैं इसके लिए क्या कर लूंगा, अपने सुविधा के लिए, साइन कन्वेंशन के लिए, राइट टू लेफ्ट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, राइट टू लेफ्ट कैसे लूंगा मैं, नेगेटिव, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए होता है, आप मान सकते हो कि साइन कन्वेंशन डायरेक्शन के अंदर, और जब भी लेफ्ट से राइट जाएंगे हम तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, जब भी मैं राइट से लेफ्ट जाऊंगा, यानी कि राइट से लेफ्ट इस साइड, इस हिस्से से इस साइड जाऊंगा, लेफ्ट की साइड राइट से लेफ्ट जाऊंगा तो ई की वैल्यू नेगेटिव लूंगा, और जब भी लेफ्ट से राइट जाऊंगा इस साइड जाऊंगा तो आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव होगी। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, अगर मेरी पहली है, ठीक है, फर्स्ट रीजन ये मान लिया, फर्स्ट रीजन ये मान लिया, सेकंड रीजन, और ये कौन सा मान लिया, थर्ड रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र सपेस, ये देखो पहला हिस्सा, ये इनके बीच का हिस्सा दो, और एक इस साइड का हिस्सा, तीन हिस्से हो गए, ठीक है ना, एक तो ये हिस्सा वाला इनके लेफ्ट में, ये इनके मिड पॉइंट में दो, और ये तीसरा कौन सा, राइट साइड का, ये तीन रीजन क्षेत्र, पहला इनके बीच का, दूसरा और इनके इस साइड का तीसरा, ठीक है, जैसे ये है, एक तो इनके बीच में हो गया, एक इनके लेफ्ट में हो गया, एक इसके राइट में, तीन जगह पे। तो मैं फर्स्ट रीजन के लिए निकालता हूं, और फर्स्ट इस रीजन में निकाल रहे हैं। अब इसमें हमें क्या देखना है कि E1 और E2 की डायरेक्शन क्या है, E1 और E2 की डायरेक्शन क्या है, E1 E2 डायरेक्शन देखो, राइट टू लेफ्ट होगी तो माइनस लेनी है दोनों, लेफ्ट से राइट होगी तो पॉजिटिव लेनी। अब इस साइड देखो E1 की डायरेक्शन क्या, राइट से लेफ्ट है, ऐसे जा रही है, राइट से लेफ्ट जा रही है फर्स्ट रीजन में, यहाँ भी राइट से लेफ्ट जा रही है, डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की है, राइट से लेफ्ट की है, यानी कि मेरे पास जो नेट ई जो होगी वो क्या होगी, माइनस E1 प्लस में माइनस E2, ठीक है ना, क्यों लिए मैंने माइनस, दोनों की दोनों माइनस किस लिए किए हैं, क्योंकि राइट से लेफ्ट हमेशा कैसे लूंगा मैं इसको, नेगेटिव,
ये राइट से लेफ्ट जा रही है, राइट से लेफ्ट जा रही है, इनकी वैल्यू पुट करनी है, कर दो बस सीधा सीधा, कितना आ जाएगा ये, माइनस का सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा टू अपॉन, माइनस बाहर ले लिया ना, अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये माइनस का, अगर मैं इसको माइनस वन को मान लेता हूँ, टू एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा मेरे पास, ये सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, माइनस वन को मान ले रहे हैं, तो ये प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा, तो फर्स्ट रीजन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई है, इतनी आई है फर्स्ट रीजन के लिए, ठीक है, सेकंड रीजन के लिए, सेकंड रीजन के लिए देखो आप मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, देखो ध्यान से, E1 जो है सेकंड रीजन के अंदर इस बीच वाले स्पेस में है, E1 की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट कैसी लेनी, पॉजिटिव, तो E1 क्या आएगी मेरी, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि लेफ्ट से राइट है, यही है बात इसमें, कंसेप्ट जो सिर्फ यही है, लेफ्ट से राइट है, और E2 की डायरेक्शन क्या है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, ये देखो डायरेक्शन यहां से देखो, तो ये किसकी आएगी, माइनस की आएगी, और वैल्यू पुट करोगे E1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ ये देखो E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 कितना है, सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन, ठीक है, यानी कि मेरे पास कितना आएगा, वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा वन माइनस सिग्मा, ठीक है, सेकंड रीजन के लिए, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन दीज टू प्लेन सीट, यानी सेकंड रीजन के लिए मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई है, वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, ठीक है, अब तो कुछ है नहीं, देखो तीसरे रीजन में अगर हम करेंगे तो क्या देखना है, डायरेक्शन देखनी है बस, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, थर्ड रीजन में देखो ये भी क्या है, लेफ्ट से राइट है, E2 भी क्या, दोनों लेफ्ट से राइट है, और लेफ्ट से राइट मेरे दोनों के दोनों क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगे, तो लेफ्ट से राइट क्या आएगी आपके पास, पॉजिटिव E1 प्लस में E2, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो कितना आ जाएगा, E1 कितना है, सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये है ना E2, E2 को यहाँ से पुट कर दो, कितना आ जाएगा, वन अपॉन टू एप्सिलॉन कॉमन ले लेता हूँ, सिग्मा वन प्लस सिग्मा, ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये होगा आपके पास जो गिवन, आपके पास जो आर्टिकल है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब दोनों की सरफेस डेंसिटी अलग अलग हो, अब देखो स्पेशल केस हो सकते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट भी है, स्पेशल कंडीशन दे सकता है कि जब इनके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, जब यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है इधर, उसकी डेंसिटी क्या हो, दोनों की इक्वल बट अपोजिट हो, यहाँ पे जो सरफेस डेंसिटी जो इधर इसकी है उतनी किसकी हो, इसकी हो, लेकिन दोनों के दोनों क्या हो, अपोजिट हो, यानी कि एक पे पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज हो, और सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों क्या हो, सेम हो बट अपोजिट हो, ये स्पेशल कंडीशन दे दी, अब तक तो आपने दोनों पॉजिटिव के लिए निकाला है, अब वो कहते नहीं एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, बट उनकी जो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है वो क्या हो, सेम हो, यानी कि स्पेशल केस दे दे, व्हेन सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा टू इज इक्वल टू माइनस, यानी देखो क्या होगा आपके पास इधर ये इक्वल बट अपोजिट, ठीक है ना, इसके पास कितनी सरफेस डेंसिटी सिग्मा, इसके पास कितनी हो माइनस सिग्मा, दोनों के पास हो बराबर लेकिन दोनों अपोजिट हो, एक बार प्लस एक बार माइनस, तब क्या होगा, स्पेशल केस दे दे कि अगर इनके पास दो आपके पास पैरेलल प्लेट हैं जिनकी डेंसिटी इक्वल बट अपोजिट है, सरफेस डेंसिटी जो उसकी चार्ज के हिसाब से क्या इक्वल अपोजिट है, तब क्या होगा, यहाँ वैल्यू पुट करके देख लो क्या होगा, अगर मैं इसके पास करता हूँ यानी कि E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट रीजन की कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ निकाल देता हूँ सर,
कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा वन की जगह कितना लिखूंगा मैं सिग्मा, सिग्मा वन की जगह क्या लिखूंगा सिग्मा, और सिग्मा टू की जगह क्या लिखूंगा माइनस का सिग्मा। ये कितना हो जाएगा जीरो, यानी कि ई वन कितना आ जाएगा जीरो, क्योंकि ये क्या है मेरे पास जीरो, और जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे सब जीरो। यानी कि जब आपके पास दो पैरेलल प्लेट के सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या दे रखे हो इक्वल बट अपोजिट, तो इस हिस्से की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फर्स्ट रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी जगह सिग्मा लिखूंगा, इसकी जगह माइनस सिग्मा, तो ये कितना हो जाएगा जीरो, यानी कि ई आपका नेट कितना होगा फर्स्ट रीजन के अंदर जीरो। ठीक है, स्पेशल केस के अंदर ये जब आपके पास सिग्मा और ये कितना माइनस सिग्मा, तो इस हिस्से की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई मेरे पास जीरो आ गई इस हिस्से की। ठीक है, ऐसे अगर मैं थर्ड में पुट करता हूं, इसकी जगह मैं सिग्मा लिखूं, इसकी जगह माइनस सिग्मा लिखूं, तो कितना हो जाएगा ये भी जीरो, यानी कि ई आपका थर्ड जो है वो भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, जब वो स्पेशल केस दे दे कि सिग्मा वन आपके पास सिग्मा हो, सिग्मा टू माइनस सिग्मा हो, यानी कि इक्वल हो बट अपोजिट हो, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास सारा सारा नेगेटिव चार्ज हो, और सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज आपकी क्या हो सेम हो बट अपोजिट हो। ठीक है, अपोजिट हो गया अपोजिट को, तो ये कितना हो जाएगा जीरो, यानी इस थर्ड रीजन के अंदर भी आपके पास, थर्ड रीजन के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी, यानी यहाँ पे भी जीरो हो गई, यहाँ पे भी जीरो हो गई, यानी कि ये दो प्लेट जो दे रखी हैं, ये जो दो प्लेट हैं आपके पास पैरेलल आपके, इस हिस्से में भी जीरो, इस हिस्से में जीरो, बस बीच का हिस्सा बच गया। अब इसको देखना आपको, यानी आपके पास लेफ्ट का हिस्सा और राइट का हिस्सा में क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो गई, जब आपके पास सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इक्वल बट अपोजिट दे रखा हो। ठीक है, अब देखो इन सेकेंड रीजन ई टू के अंदर, देखो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ सिग्मा माइनस, और सिग्मा टू की जगह पुट करता हूँ माइनस सिग्मा, ठीक है यही है, तो कितना बन जाएगा ये ई टू बराबर है वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस, यानी कितना हो जाएगा इनटू में टू सिग्मा, और टू से टू कैंसिल, यानी कि E2 मेरे पास कितना आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो ये रीजन है सेकंड रीजन, इधर E2 नहीं, तो सेकंड रीजन मान लेता हूं मैं, सेकंड रीजन के अंदर ये रीजन इस क्षेत्र के अंदर, थर्ड रीजन के अंदर, ठीक है, यानी इस हिस्से में सब जीरो, इस हिस्से में सब जीरो, और जो ये सेकंड वाला जो है ना इस रीजन के अंदर आपकी ई जो कितनी आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, स्पेशल केस होंगे तब। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास तो पैरेलल शीट दे रखी थी, आपको अगर कोई डाउट होता है ना तो इसको रिपीट कर लिया करो वीडियो, ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में अच्छी तरह समझा रखा है, कोई एक ऐसी बात नहीं समझ में नहीं आएगी आपको। ठीक है, नोट करो इसको एक बार समझो, देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगला जो जितना भी आपके पास जो यूनिट का जो पार्ट है आपके पास कैपेसिटर के बारे में पढ़ोगे आप, सारा का सारा इसी पे बेस्ड है, कि दो पैरेलल प्लेट दे रखी होंगी आपके पास, एक पे क्या होगा पॉजिटिव डेंसिटी होगी, एक के पास नेगेटिव डेंसिटी होगी, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो जब भी आपके पास दो प्लेट दे रखी हो तो इस हिस्से की सारी जीरो हो जाएगी, इस हिस्से की बीच में बचेगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बचेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात याद रखना कि जब भी आपके पास दो पैरेलल प्लेट दे रखी हो उनके सिर्फ बीच के रीजन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, लेफ्ट और राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, और बीच के रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, जब इक्वल एंड अपोजिट दे रखे हो तब। ठीक है, नोट करो इसको।